सो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं दुनिया कितनी ज्यादा मॉडर्नाइज हो रही है, लोग फोन पे लगे रहते हैं और अभी फोन उन्होंने नीचे रखा। सो दिस इज राहुल भैया, यू माइट नो हिम, ही इज अ बर्ड एक्सपर्ट आई वुड से, तो इसलिए वी रिक्वायर हिम वेरी मच। और यहाँ पर अभी आंधी आ गई है आज, लेकिन एंड माई कैमरा मैन इज लिटरली स्टूपिड, है ना, शी इज मेकिंग फेसेस। सो एनी वेज वी हैव आकाश विद अस ऑल्सो। जैसा कि आपने देखा होगा पिंकी को इसी ने रेस्क्यू किया था, ही वेंट फॉर दैट कॉल और अभी ही जस्ट केम और हम एक दूसरे रेस्क्यू से आए थे। एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल इंडियन ग्रे हॉर्नबिल ओवर हियर, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्पेसिमेन। नो सर, एंड आई हैव राहुल भैया विद अस, इतने चुपचाप बैठे हुए हैं ये, मैं बारी का वेट कर रहा हूँ। तो इस ये अभी जस्ट अभी अभी आया है एंड आकाश हैज जस्ट ब्रॉट द बर्ड, एक आर्मी पर्सनल थे उनके पास से ये आया है एंड वी कैन सी ही इज अ जुवेनाइल। और मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो आज हम बुलवाएंगे राहुल भैया से थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। ये इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है, अगर ये एडल्ट होता तो इसकी बेली यहाँ से थोड़ी सी और वाइटिश होती और आयरिश जो होता है वो ऑरेंजिश हो जाता, ठीक है। फिलहाल ये जो यहाँ पर ये जो हॉर्न पर ये जो इसकी बिल है इसके ऊपर एक कास्क आता है जो ग्रो करता है, इवेंचुअली एज के साथ वो यहाँ तक आ जाएगा। अगर ये मेल हुआ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वो अपेरेंटली प्रोपोर्शनेटली, अगर फीमेल हुई वो थोड़ा छोटा रहेगा। फीमेल की बीक जो है ये जो कलर आपको दिख रहा है लाइट येलोइश कलर है, अगर ये फीमेल होगी तो पूरा येलो हो जाएगा इवेंचुअली आगे जा करके, मेल में इसी कलर का रहेगा। साइज़ और बड़ा होना है। अब हमें कैसे पता है कि ये बच्चा है, पहला तो यहाँ पे कास्क नहीं है उसके, दूसरा अगर आप देखेंगे तो नेस्ट के अंदर जब बच्चा रहता है तो उसके क्या होता है नेल्स पर जो टैलेंस हैं पक्षियों के नेल्स को टैलेंस कहते हैं, टैलेंस पे पूप चिपक जाती है, तो ये सारी पूप चिपकी हुई है। अब हुआ क्या है ऑन पर्पज या फिर जैसे भी, इसके प्राइमरी फैदर्स जो हैं दोनों साइड के ही मिसिंग है, दोनों साइड के दो दो तीन तीन प्राइमरी फैदर्स जो हैं वो मिसिंग है, तो उसकी वजह से ये उड़ा है नहीं, नीचे गिर गया, थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ग्लूकोज वाला पानी देंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे को छोटे इंसेक्ट्स या तो मिल जाए, नहीं तो टेम्परेरली अभी हम लोग बेसन की गोली बनाकर इसको खिलाएंगे और फिर इंसेक्ट्स की अरेंजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे इसके प्राइमरी फैदर्स वापस आएँ, इसे रिहेबिलिटेट करके फिर इसे रिलीज़ करेंगे। अब थोड़ी सी जानकारी बेसन की गोली के बारे में, बेसन की गोली मजबूरी का सौदा है पहली बात तो, वो इसका उसूलन तो जंगल में बेसन मिलता नहीं है। अब क्योंकि इमीडिएटली हमारे पास कीड़े नहीं हैं अरेंज हैं तो बेसन की गोली जो है इसको फिलहाल जो है बैकअप देगी खाने के तौर पर, बाकी इंसेक्ट्स देंगे इंसेक्टिवोर है। दूसरी बात है हर एक जानवर को हर एक पक्षी को आप बेसन की गोली नहीं दे सकते हो, तो फिलहाल हमें जो सबसे पहला काम करना है ग्लूकोज देना है, फिर बेसन की गोली देनी है, इवेंचुअली इसके नेल्स क्लीन करने हैं, इसके फेदर्स वापस आने का वेट करना है और इसे रिलीज़ करना है। ये पेट पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं होते, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत क्यूट है एक्सेट्रा, दे डू नॉट मेक अ वेरी गुड पेट एंड इट इज़ इलीगल टू हैव देम, ये गैर कानूनी है अगर आप कोशिश भी करते हो उसे पालने की। तो कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो है सिंगल फेदर वाला बर्ड है, ये देखिए यहाँ पर ये जो बेयर स्किन दिख रही है, ये जो फेदर पाइप्स हैं ये सारे पाइप्स में से फेदर्स आ रहे हैं, इवेंचुअली ये पाइप सारे ब्रेक हो जाते हैं, स्किन पाइप्स हैं ये सब ब्रेक होकर के फेदर पूरा खुल जाएगा, स्किन जो है पूरी कवर हो जाएगी और सारे पे फेदर्स आ जाएंगे। टेल अभी इसकी काफ़ी लंबी होनी है और एक बहुत ही शानदार बर्ड बनेगा ये। हाँ, होपफुली इसको हम अभी प्रॉपर फर्स्ट एड देकर अभी फिर वी आर गोना शिफ्ट हिम टू द रिहैबिलिटेशन सेंटर, संजय गांधी एनिमल सेंटर, यू माइट बी नोइंग, ये वहीं पर जाएगा। मैं कैमरामैन से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इधर थोड़ा सा फोकस करेंगे, यहाँ पर प्राइमरी फेदर्स होते हैं, ये जो पाइप्स दिख रहे हैं आपको ये सारे प्राइमरी फेदर्स के पाइप हैं, पता नहीं वेदर इट इज़ डन बाय अ ह्यूमन और व्हाट, यहाँ से दोनों तरफ से ही तीन तीन प्राइमरी फेदर्स गायब हैं, तो उसकी वजह से ये फ्लाइट नहीं ले पा रहा है, ये नेस्ट आउट बच्चा है ये, किसी ने कुछ किया होगा यार, somebody might have tried something, क्योंकि इसके जो उड़ान वाले पर जिन्हें हम बोलते हैं वो निकाले हुए किसी ने, पूरे पुल किए हुए हैं और ये नेस्ट आउट बच्चा है बेसिकली, तो अभी इसीलिए ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है। इसकी बीक के अंदर भी हमने थोड़ा सा देखा है कुछ गंदगी है, तो मुंह के अंदर क्या होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से क्या होगा कि इसकी जो क्रॉप है ये सारी इन्फेक्शन वाली हो जाएगी, कुछ भी खाएगा सब बाहर आ जाएगा, पूरा मुंह ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो है बीटाडीन ओरल से इसका मुंह भी पूरा साफ़ करेंगे ताकि वो इन्फेक्शन बनने के चांसेस ना रहें, बाकी ऑल इन ऑल हेल्दी लग रहा है ये। आई लैशेज देखो यार इसकी,
कमाल ही हो गया, मतलब पीपल पे फॉर दिस। नहीं मतलब औरतें जो हैं आईलैशेस नकली लगाने के लिए, औरतें इंसानों की औरतें, मतलब औरतें एक्चुअली में हॉर्नबिल बनने की कोशिश करती हैं। तो दिस इज कोको बाय द वे गाइस, और एज यू कैन सी थोड़ा सा बनाया तो अभी इसकी खूबसूरती जंगल में ही है। अगर आप उठा करके पिंजरों में रखने की सोच रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, लेकिन मानो मेंटेन नहीं होगा, पॉटी बहुत ज्यादा करता, स्मेल बहुत होगी। तो आज मेरे पास रहीश भाई नहीं है, बट आई एम लकी आई हैव राहुल भैया विद मी, और अभी हम सारे लोग ही मिलके यस लेट्स गो। मेरे साथ शीखू जी हैं, बड़े भाई हैं, ये भी हमारे साथ सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा मेरे से कहीं पहले से लगे हुए हैं ऑफ द कैमरा भाग दौड़ करने में। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये असल में एनर्जल है। एनर्जल में क्या होता है कि सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी होता है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। अब इसकी बीक हल्के से खोलूँगा, साइड से धीरे धीरे देना चालू करूँगा। इनका बड़ा सिस्टम होता है, अगर गलत चला गया तो वो गलत पाइप में चला गया तो ऑन द स्पॉट बर्ड के मरने के चांसेस होते हैं, इसीलिए आपको अवॉइड करना चाहिए ज़बरदस्ती बीक में कुछ डालना। शुरू करते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जरा फोकस कीजिएगा बीक पे, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो, ये बीक में जो है ना ये सारी गंदगी भरी हुई है, ठीक है। ये गंदगी बेसिकली कई बार हो भी जाती है, फिक्स भी खाते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाती है, लेकिन ये जो है इसे क्लीन करना पड़ेगा अभी इवेंचुअली। तो क्लीन करेंगे, पहले ग्लूकोज देता हूँ, उसके बाद इसको क्लीन करके फिर इसे बॉक्स में रखेंगे। इंटरेक्शन हमें कम से कम रखना है। इन्फेक्शन बहुत प्रोन हुआ, रेस्पिरेटरी इश्यूज ही बर्ड को इन्हीं कारण से ही होते हैं कि गंदगी जो है उस वजह से हो जाती है। थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं इसको क्लीन करने की, बाकी बहुत ज़्यादा हमें अभी हाथ पैर नहीं मारने, हम लोग एक बार इसको थोड़ा रिलैक्स होने देंगे फिर जाके दोबारा। क्लोजअप करना, बीक क्लीन कर दी हमने इनको अभी फिलहाल बीक क्लीन कर दिया है, ORS दे दिया है। ORS इन द सेंस भाई इलेक्ट्रॉल बार बार वही निकलता है, ग्लूकोज ORS एक ही बात है, वो दे दिया है। अब इसको बॉक्स में रखेंगे। बॉक्स में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये बच्चा जो बड़ा होता है ये पेड़ के खाली लॉग में, जो खाली लॉग होता है उसमें रहता है, तो जितना ज़्यादा ये गत्ते के डब्बे में रहेगा, एक तो वो इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली लगेगा, यूज टू लगेगा, तो उतना ज़्यादा ये रिलैक्स होगा। तो अभी उसके अंदर डाल करके इसको रखेंगे, थोड़ी देर बाद हम इसे बेसन की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देखेंगे, एक या दो अगर रिस्पॉन्स देता तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके लिए इंसेक्ट्स की अरेंजमेंट करेंगे, एक वेट चेक करवाएंगे इसका, और फिर इसको रिहेबिलिटेट करने के बाद इसे रिलीज करेंगे। इसको दिखाइयो यार, चमक रहे यार, दिखाना दिखाना। नहीं नहीं, और ऐसे ही लगा जैसे पहले लगा रहा था, लगा लगा काटेगा नहीं। हाँ, आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट, मैं इसकी इस पर कर रहा हूँ, खोल नहीं रहा। छोड़ भैया,